नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीतां गुणगां पुण्यारण्यविहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। आइए सुंदरकांड की बाबा जी की लेखनी के पंचम सोपान, जिस पर हमें मानस यात्रा राम कथा के स्वरूप में कहने का परम सौभाग्य मिला है, आइए इसे आपके बीच। यद्यपि मैं हमेशा निवेदित करता हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, ये गुरुजनों की ही दिव्य वाणी है, जिनके दी हुई इस लिंक की ही देन है, जिन्हें सुन के थोड़ा सा अध्ययन करके और ज्यादातर कहूं तो केवल सुनकर ही मैं आपके बीच कथा रखने जा रहा हूं। पूर्व वक्ता हमारे प्रथम लिंक के पूज्य गुरुदेव, जिन्हें यही ठीक इसके ऊपर दोहा क्रमांक 49 का पे उन्होंने चर्चा की थी, और उनके ठीक नीचे ये जो प्रसंग है विभीषण जी की शरणागति की प्रसंग, और इस पर विभीषण जी जब शरणागति हो भगवान राम किस प्रकार से कृपा करते हैं, उसी चर्चा को आपके बीच रखने का प्रयास करूं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, जो संपत्ति सिंह रावण ही, जो संपत्ति है उसे भगवान शिव ने रावण को समर्पित किए, उन्हें प्रदान किए। तो किस प्रकार प्रदान किए, तो क्योंकि रावण ने जो है अपने दसों सिरों को भगवान शंकर जी को समर्पित किए, और उनके इस समर्पण के भाव को देख करके परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उसी संपत्ति को सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। यहां पर देखें तो वो संपत्ति जिसे रावण को दे चुके थे उसे भगवान भोलेनाथ के द्वारा जो प्रदान की गई थी, उस संपत्ति को आज भगवान श्री रामचंद्र जी जो है विभीषण जी को प्रदान कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर विभिन्न भाव हैं, उन भावों को मैं आपके बीच रखने का प्रयास करूं। सबसे पहले हम देखें कि संपत्ति जो है, संपत्ति को हम अगर साधारण रूप में लेते हैं तो हम समझते हैं कि ये केवल धन के विषय है ना। संपत्ति का तात्पर्य हम देखें तो हमें लगता है संपत्ति अर्थात धन, और जितने लोग भी ये कल्पना करते हैं कि रावण की लंका के बारे में, मतलब उनको यही लगता है कि केवल उन्हें सोने की लंका मिली। अगर हम संपत्ति को विस्तार से समझने का करें तो संपत्ति का तात्पर्य हुआ ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का मात्र जो है केवल ऐसा नहीं कि धन है, उसमें मान भी है, सम्मान भी है, बड़ाई भी है। और मान और सम्मान और बड़ाई किस तरह से हमें मिलते हैं, तो उसमें हमारे संत जन बताते हैं कि धन से भी मान बड़ाई मिलता है, बल से भी मिलता है, त्याग से भी मिलता है, तपस्या से भी मिलता है, और ज्ञान के माध्यम से भी हमें ये मान सम्मान और बड़ाई मिलता है। तो अगर ये जो संपत्ति है, कौन सी संपत्ति, जिस संपत्ति को भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी ने रावण को प्रदान किए, इससे पहले पूर्व पूज्य गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत सारे चीज बताई कि रावण, रावण क्या है, रावण का पूर्व नाम क्या था। तो रावण को पूर्व में दशानन के नाम से जाना जाता था, दशकंधर या दशानन, और उनका रावण का नाम पड़ा। तो जो संसार को रुलाए रोदयति इति सह रावण, जो संसार को रुलाने का काम करे और स्वयं भी रोए, तो स्वयं क्यों रोए इस प्रसंग को भी गुरुदेव ने रखे हैं, क्योंकि ये रावण का विषय आ रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं कि रावण जो है भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचा कैसे, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करें। वो क्यों पहुंचे और शिव है क्या,
शिव अहंकार है, सृष्टि का अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान। और भगवान भोलेनाथ ही वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपणम तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये भगवान भोलेनाथ वेद के रूप में भी है, रामचरितमानस के रचयिता के भी रूप में है। ऐसे पूज्य भगवान भोलेनाथ अवघड़दानी तो है ही, ये कथा प्रसंग में आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने ये लंका जो है स्वर्ण की नगरी लंका को किस प्रकार उन्हें प्रदान किए उसके बारे में संक्षेप में चर्चा रखने का प्रयास करूंगा। हमारे ग्रंथों में इस पर विभिन्न प्रकार की राय है। अभी गुरुदेव ने दो पॉइंट हमारे बीच रखे कि सबसे पहले कुबेर के लिए ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान श्री विश्वकर्मा जी जो कि देव शिल्पी है उनके माध्यम से लंका का निर्माण किया गया, ये पहले जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं कि इसी लंका को मय दानव जो कि मंदोदरी के पिता हैं, दुदुम्बी और मायावी नामक राक्षसों के पिता है, उन्होंने इस लंका को अपने अधिपत्य में रखा है ना। और एक कथा के माध्यम से यह भी हमें जानकारी मिलती है कि भगवान भोलेनाथ ने विवाह उपरांत, क्योंकि भाई हम सभी जानते हैं कि भगवान का कोई स्थान नियमित नहीं है, यद्यपि कैलाश निवासी उनको कहते हैं पर वहां भी वो खुले में रहते हैं, परंतु विवाह उपरांत जिस प्रकार से व्यक्ति को अपने लिए निवास की आवश्यकता होती है, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने लिए माता पार्वती के लिए विश्वकर्मा भगवान के माध्यम से ये समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ लंका पर अपना निवास बनाए थे। और कथा के माध्यम से यह भी आता है कि उस निवास स्थान को जब उन्होंने पूजा करने के लिए, आप सभी जानते हैं रावण जो है वो महाज्ञानी और महापंडित है, महाज्ञानी और महापंडित, इसके ओर जाने से पहले मैं कुछ संक्षेप में रावण के पूर्व जन्म की चर्चा जो पूज्य गुरुदेवों के माध्यम से मिली है मैं रखना चाहूंगा। रावण सर्वप्रथम जो है 10 वर्ष की आयु में उन्होंने सारे वेद ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था, उन्हें संपूर्ण जानकारी थी, यहां तक कि श्लोक की रचयिता एक कवि के स्वरूप में रावण प्रतिष्ठित हो चुके थे। रावण के पिता का नाम मुनि विश्रवा और उनके पिता का नाम पुलस्त मुनि जी जो कि कुलपति थे। कुलपति एक शब्द आ रहा है ना। अब कुलपति किस प्रकार से आप जानते हैं, पहले गुरुकुल होता था और गुरुकुल में जिस गुरुकुल में पढ़ाते थे उनको आचार्य कहते थे। आज गुरुकुल बन गया है स्कूल और स्कूल के जो मेन प्रमुख होते हैं उनको प्राचार्य कहा जाता है। तो जिस गुरुकुल में 1000 विद्यार्थी स्नातक जन अध्ययन करते थे उस जगह के संचालन कर्ता को आज जिस प्रकार से हम विश्वविद्यालय के कुलपति कहते हैं ऐसे कुलपति। तो दो कुलपति उस समय श्रेष्ठ थे, एक तो इधर कहना चाहिए श्री राम जी के परिवार के तरफ मुनि वशिष्ठ गुरुदेव जो है वो कुलपति थे, और इधर रावण पक्ष में कहना चाहिए ब्रह्मा जी के सुपुत्र पुलस्त मुनि जो है वो कुलपति थे। तो अब देखिए दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही त्यागी हैं, चाहे रावण के पिता को कहें और चाहे उनके पितामह को कहें, दोनों ही त्यागी हैं, दोनों ही शोध करता है मुनि है, और मुनि को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मुनि को जो ज्ञान की आवश्यकता होती है, चाहे जिनसे भी ज्ञान प्राप्त हो सबके ज्ञान प्रदान करने वाले हैं वो भगवान भोलेनाथ। तो भगवान भोलेनाथ के माध्यम से इनको भी ज्ञान मिला। और एक समय की बात है कि रावण के जो पिताजी हैं उनके पास कुबेर जी आए। अब ये कुबेर कौन है भाई, हम सभी जानते हैं कुबेर जी जो हैं वो देवताओं के आजकल की भाषा में कहें तो वित्त मंत्री हैं, मुद्रा विभाग की रक्षा करने वाले। तो उनके आने पर जो विश्रवा ऋषि है उन्हें आकर के अपने सम्मुख उन्हें बिठाया, बहुत मान सम्मान दिए, क्योंकि ये हमारे परंपरा है पद की बड़ी मर्यादा होती है। हम इसी कथा की बात करें, रावण जहां पर भगवान भोलेनाथ के द्वारा निर्मित
इस लंका में पूजा करने के लिए गए तो भगवान भोलेनाथ जजमान बने और रावण को आचार्य बनाए। जो गुरु है जजमान और रावण जो चेला है उनको बनाए आचार्य। ऐसे हमारे गुरु परंपरा है, ऐसे पद की परंपरा है। तो बड़े सम्मान के साथ उनको बिठाया गया, उनको उनसे चर्चा की गई। और जब वो गए कुबेर तो रावण ने पूछा कि पिताजी ये कौन है जिनका आप इतना सम्मान किए? तो विश्रवा जी कहते हैं कि पुत्र ये कोई नहीं, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है। ज्येष्ठ भ्राता है तो ये देव में कैसे पहुंचे? क्योंकि इन्होंने अपने साधना और अपने ज्ञान के माध्यम से देव के पास पहुंचे और उन्हें बड़ी पद मिली। अर्थात जिन्होंने त्याग और तपस्या किया उनको बड़ा पद मिला। रावण को एक भाव यहां से उन्होंने एक सूत्र पकड़ा कि मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे भी वो मान सम्मान पाना है। इसलिए जो रावण है वो त्याग और तपस्या की ओर गए। लेकिन त्याग और तपस्या उन्होंने यही भगवान भोलेनाथ जी के नाम को जाप करके, कठिन तप करके उसे प्राप्त किए। अब हम सभी जानते हैं कि रावण और रावण जो है तीन भाई, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, ये माता केकसी और विश्रवा के जो है उनके पुत्र हैं। और विश्रवा एवं इडविका नामक जो थी उनके माध्यम से ये कुबेर, अर्थात रावण के विमाता के माध्यम से ये कुबेर का जन्म हुआ। तो एक प्रकार से ये दोनों भाई हुए। अब इस संपत्ति की बात मैं जो कह रहा था कि रावण जो है, जो संपत्ति भगवान भोलेनाथ ने अपने लिए रखे थे वो उनके यहां पूजा याचना करने के पश्चात दक्षिणा, ब्राह्मण दक्षिणा होती है हम सभी जानते हैं, दक्षिणा में उन्होंने भगवान भोलेनाथ से यही लंका को मंगा। यद्यपि उस समय पूरी लंका नहीं, उनको एक भवन को प्रदान किया गया था ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव जन बताते हैं। और लेकिन एक और दक्षिणा होती है, भूयसी दक्षिणा। उस भूयसी दक्षिणा में उन्होंने स्वयं माता पार्वती को मंग लिया था। अवगणदानी भगवान भोलेनाथ, ठीक है भाई आपने जो मंगा दे दिए, दान और दक्षिणा में अंतर है साहब, है ना? दान कैसा, अगर किसी व्यक्ति को जरूरत हो और हम उसकी आवश्यकता को पहचान गए और बिना मांगे ही स्वेच्छा पूर्वक प्रदान कर दें, यही दान है। किसी की आवश्यकताओं को समझ करके उन्हें निष्काम भाव के साथ प्रदान करना ही दान है। और दक्षिणा जब किसी आचार्य या गुरुजन जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं उसके स्वरूप में हम उन्हें दक्षिणा देते हैं। लेकिन दक्षिणा भी दो प्रकार की हो गई, क्योंकि अगर जब आपके जजमान कह दे मांग लो क्या मांगना चाहते हो, तो वहां पर आचार्य जो है मांग सकते हैं। लेकिन कहीं पर स्थिति ऐसी होती है कि उन्होंने जजमान ने जो है जो दे दिया और स्वीकार कर लिए, ये भी एक दक्षिणा। तो भगवान भोलेनाथ के द्वारा जो मांगना है मांगो ऐसे कहने पर यही जो बात है, जो संपत्ति शिव रावण ही, वही संपत्ति है जिसे रावण को उनके 10 मात जो है समर्पण करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने किनको प्रदान किए थे? रावण को। अब एक बात जो आ रही है उसको भी स्पष्ट करना जरूरी है कि जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को भी रावण को दे दिया और माता पार्वती को रावण उस भवन समेत उठा के लेते जा रहे थे, लेकिन पार्वती माता जो है जगदम्बा है, परम सती है, महासती है, उनके रुदन और विलाप को सुनकर एक ग्वाला, वो ग्वाला कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके रुदन को सुन करके उनको रुकवाया, कहे रुको भाई क्या बात है, एक नारी की आवाज आ रही है, वो भी रुदन की आवाज हो रही है। और जो संत और देव होते हैं वो शरणागत की रक्षा करने वाले होते हैं। तो उन्होंने रुकवाया और रुकवा करके उन्हें पूछा कि भाई ये क्या बात है, तो कहे ये तो पार्वती है और इस पार्वती को मैंने दक्षिणा में भगवान भोलेनाथ शिव जी से मांगा है। यह रावण ने कहा मांगा है, पार्वती है, कैसे पहचान सकते हो कि पार्वती है? पार्वती उनकी पत्नी, मैंने मंगा है और भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिया है। तो कहे अगर ये पार्वती है तो पार्वती में 2 लक्षण है, एक
उनके केस जो है एक जोजन तक उनकी केस में सुगंध आएगी। दूसरी बात, उनकी आंसुओं में भी सुगंध आएगा, महक गंध दुर्गंध के रूप में नहीं आएगा। अब जरा तुम गौर करो, क्या उनके बालों से केस से ऐसी सुगंध आ रही है? क्या उनके अश्रुओं से भी सुगंध आ रही है? रावण उस समय सूंघने का प्रयास किया, परंतु विपरीत पाने के कारण विपरीत पाया। अरे नहीं, इसका मतलब भगवान भोलेनाथ ने मुझे ठग दिया, शिव ने मुझे ठग दिया, ऐसा सोच करके माता को वही छोड़ दिए। और उस माता को भगवान श्री कृष्ण जो है, सच्चिदानंद माधव जो है, जगदीश्वर भगवान, लक्ष्मी नारायण है, भगवान भोलेनाथ को पुनः उन्हें समर्पित करके आए और उन्हें कहा भी कि प्रभु ये कैसा दान है, यद्यपि आप अवघड़ दानी है, दानी शिरोमणि सब प्रकार आप हैं, जो मांगे भक्तों को प्रदान करने वाले हैं, परंतु अपनी पत्नी को दान कर देना कैसा शोभा देगा, आप जगत पिता हैं और ये जगत माता है। तो ये संक्षेप में, क्योंकि भाव यहां पर बन रहा है, इसलिए मैं इस कड़ी को रखना चाह रहा था आपके बीच। अब इस संपत्ति को, सोई संपदा विभीषणी सकुच दीन रघुनाथ, इस पर चर्चा करने का प्रयास करें। सज्जनों, विभीषण जी जो महाराज हैं, बाबा गोस्वामी जी यहाँ पर लिखते हैं, विभीषण जी महाराज संत हैं और जीव हैं। विभीषण शरणागति का भाव है और शरणागति के छह सूत्र हैं। वो समस्त छह सूत्र जो है विभीषण जी महाराज के यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। एक तो अनुकूलता का भाव, विभीषण जी निश्चित रूप से अनुकूल है। जब आपके पास कोई न हो, जिसका कोई नहीं उसका तो प्रभु है ना, और प्रभु मान करके अपनी ऐसे भाव, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता का वर्जन, यानी मैं उनके पास जा रहा हूं तो कोई प्रतिकूल स्थिति तो नहीं, ऐसा भी नहीं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब केवल एक पार ब्रह्म परमेश्वर का दरवाजा खुलता है, और रक्षा का पूर्ण विश्वास ये तीसरा, समर्पण का भाव ये चौथा, और उनके सम्मुख जब जाएं तो दीन के भाव से जाएं, कृपण के भाव से जाएं, ऐसे छह शरणागति की भाव है। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर। परमात्मा के पास विभीषण जी ऐसी भाव के लेकर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पास आने से पहले मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो बस आपके दर्शन के भावना लेकर के आपके पास मैं आया था। श्रवण सुजस सुनी आए हो प्रभु भंजन भाव भी, मैं आपके यश कीर्ति और इन बातों को ही सुन करके मैं प्रभु आया था कि आप शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और आपने मुझे शरण में रखा, तो मेरी कोई इच्छा नहीं। फिर भी परमात्मा उन्हें वो प्रदान कर रहे हैं, क्या कि उस संपदा, जिस संपदा को, जिस संपत्ति को भोलेनाथ ने रावण को दिया और उसे आज विभीषण को भगवान सकुच करके प्रदान कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, ये इनके मन में कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं, आपकी कोई इच्छा नहीं है, परंतु जो मेरे दर्शन कर ले, मोर दरसु अमोघ जग माही, यद्यपि आपकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ईश्वर के सम्मुख, परमात्मा के सम्मुख, जिनके पास सब कुछ है, और प्रभु कौन भाई, स्वामी कौन, ईश्वर कौन, प्रभुवति कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सह प्रभु, जो ऐसी चीज करने योग्य हो ना करने वाले योग्य हो असंभव, जो सबके लिए
भाई हम तो एक देसी है, हमारा शरीर एक जगह हो सकता है। मैं टेढ़े सरा से आपको कथा कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अपने अपने जगह पर हैं, आप वहीं रहेंगे, लेकिन परमात्मा तो हरि व्यापत सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान घट घट वासी है और उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है, यही प्रभु के गुण है। और आज प्रभु उसी चीज को उन्हें प्रदान करने जा रहे हैं कि आपकी इच्छा नहीं है फिर भी मैं आपको ये दे रहा हूं। तो क्या जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दशमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। उस संपत्ति को सकुच, अब यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है सकुच, कि भगवान सकुचित क्यों हो रहे हैं। भगवान सकुचित होने का भाव क्या है, तो अगर इस पर कुछ चर्चा करें, करने का प्रयास करें, जो पूज्य गुरुदेव, जो भी मैंने आपको एक कथा बताई, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो रावण को, पार्वती को भी प्रदान किए, ये दिव्य कथा जो है हमें सुनाने वाले परम पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, जिनके माध्यम से ये कथा हमें श्रवण करने मिलता है, और उन्हें ये जो जगत गुरु है वो जगत गुरु के माध्यम से ये कथा उन्हें श्रवण करने को मिला था, और वही मैं आपके बीच रख पाया हूँ, यद्यपि नाम उनके अभी ध्यान में नहीं आ पा रहा है मुझे। तो ऐसी दिव्य कथा गुरुजनों के माध्यम से मिलता है, उनसे ही मैं चर्चा कर गुरुजनों से पूछते रहता हूँ। तो कहे प्रभु, मैंने पूछा प्रभु कि भगवान ने सकुचाया क्यों। भगवान तो आप ईश्वर है, मतलब सारे ब्रह्मांड के आप मालिक हैं, तो सकुच क्यों। तो कुछ दो चार बातें हमें समझ में आई कथा के माध्यम से, वो आपके बीच में रखने का प्रयास करूं। तो सबसे पहले तो यह देखें, ये जो लंका है, जो पूर्व की लंका रही, चमचमाती हुई लंका रही, जिसे श्री हनुमान जी महाराज ने जा करके माता सीता अन्वेषण में जब गए थे, तो उस लंका को जला करके उनकी कांति को जलाकर धू धू कर दिए थे, और ऐसी जली हुई लंका को भगवान शायद समर्पण कर रहे हैं कि वो लंका नहीं, ये जली हुई लंका एक भाव, ऐसा समझ में आता है। और अगर दूसरा देखें तो, क्योंकि जो विभीषण जी महाराज हैं, वो भगवान से क्या मांग रहे हैं, जो विभीषण जी महाराज भक्ति को मांग रहे हैं, और भगति तात अनुपम सुख मूला, ये जो भक्ति है सब मूलों का सार है, उस भक्ति को विभीषण जी मांग रहे हैं, और भगवान उन्हें एव मस्तु करके, एव मस्तु कह प्रभु रणधीरा, भगवान एव मस्तु कह करके उन्हें प्रदान भी कर रहे हैं। तो जिन्हें आप भक्ति दे दिए, और भक्ति दे दिए माने उन्हें सब कुछ मिल गया, और ऐसे भक्ति मांगने वाले विभीषण को मैं एक राज्य को प्रदान कर रहा हूं, शायद एक भाव यह भी हो सकता है। तीसरे भाव की ओर अगर हम चर्चा करें, तो जैसे इस कथा के माध्यम से पता चला कि रावण जो है, कुबेर या और अन्य यश कीर्ति किस प्रकार से मिलती, तो त्याग और तपस्या के माध्यम से मिलती है। तब उन्होंने भगवान शंकर जी को अपना गुरु बनाकर उनके लगातार निरंतर कठिन तप किए, और कठिन तप प्राप्त करने के बाद रावण भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर पाए, और उनके द्वारा ये विभिन्न यश कीर्ति या संपत्ति कहें, मान बढ़ाई कहें, वो केवल भगवान भोलेनाथ के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ। तो इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उनको ये लंका प्रदान की, और आज भगवान श्री राम विभीषण जी के केवल शरणागति पर, केवल उनके शरण में आकर समर्पण के भाव से भगवान जो है उनको लंकापति बना दिए,
शायद एक भाव भगवान श्री राम के मन में यह रही हो कि कभी भगवान भोलेनाथ मुझसे पूछे, यद्यपि विरोध का विषय है, कि भगवान भोलेनाथ मुझसे पूछे कि क्या प्रभु श्री राम जी रावण के इतने कठिन तप के बाद मैंने उन्हें लंका प्रदान किया और आपने विभीषण को बस आपके शरण में आया और शरण में आने से ही आपने उन्हें लंकापति बना दिए। तो लंका जैसे चीज और त्याग और तपस्या जैसे चीज को प्रभु आपने सहज ही प्रदान कर दिया। यानी एक भाव ऐसा नजर आता है और दूसरा देखें तो भगवान एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परदामा, परमात्मा सब चीज को जानने वाले त्रिकालदर्शी है, है ना, प्रभु समर्थ है, सब प्रकार से संभव है उनके पास। वो तो देख रहे हैं कि आने वाले समय में रावण के कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। और जब रावण कुंभकर्ण और निशाचर वंश की समाप्ति हो जाएगी, यद्यपि अभी नहीं हुआ है, यद्यपि अभी नहीं हुआ है, शायद यही एक सकुच का भाव परमात्मा राम के मन में कि मैं पूर्व में ही विभीषण को उनके राज्य का राजा मैं समर्पित कर रहा हूं। यदि हम देखें, मैं धन की बात करूं, हम सब जो हैं केवल संपत्ति को सुख की ओर लेके चलते हैं। हम सभी जानते हैं हमारा जो संपत्ति है, धन है, वो केवल सुख के बारे में हमें समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं वो केवल सुख के कामना लेकर के ही कर रहे हैं, ऐसा हम मान के चले, है ना। ये और ये हम ये ना केवल मैं इस बात को कह रहा हूं बल्कि हम विभिन्न चीजों पर देखते हैं कि हम जब आरती करते हैं यानी हम धन और संपत्ति को केवल सुख के विषय में लेकर के चलते हैं और इसीलिए रामचरितमानस में भी कहा गया है हम सभी सुख और संपत्ति की कामना करते हैं और धन को जो है केवल सुख से लेकर के चलते हैं, जबकि परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर परमात्मा धन के प्रेमी होते तो जब उन्होंने किष्किंधा में बाली का वध किया तो वहां सुग्रीव को प्रदान नहीं करते। उन्होंने बाली के वध करने के बाद किष्किंधा की सारी साम्राज्य जो है उनके अनुज भ्राता सुग्रीव जी को समर्पित कर दिए। और लंका विजय के पश्चात विभीषण जी की जिस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे थे उन्हें उन्होंने प्रदान किया। यद्यपि धन की बात है ना, हम सभी सब धन की कामना करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे हम हमारे बीच के हम जो है सबको धन चाहिए केवल सुखी होने के लिए। लेकिन जहाँ जो चीज में हम सुख का अनुभव करते हैं वही चीज दुख का कारण भी बनता है ना। धन आपको सुखी भी दे सकता है तो धन के कारण आप दुखी भी हो सकते हैं। और हमारे मानस में तो कहते हैं धन्य सुधन प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो प्रथम गति। प्रथम गति क्या है? धर्म के काम में लगना। धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। दान अर्थात धर्म का काम, जहां दया तहां धर्म है, आप में दया आ रही है तो आप दान कर्म कर सकते हैं, धर्म का भाव है। इस प्रकार से ये परमात्मा जो है हम सबको धन के विषय में समझा रहे हैं, संपत्ति के विषय में समझा रहे हैं इस प्रसंग के माध्यम से कि आपके पास जो है उसे ऐसे धन को जितना हो सके धर्म कार्यों में, परहित कार्य में, परहित सरसी धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये
परमात्मा जो है हमें इस प्रसंग के माध्यम से एक भाव देने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि सभी ज्ञानी है अपने अपने भाव से भगवान की कथा मति अनुरूप कहने का प्रयास करते हैं, एक प्रसंग को भिन्न भिन्न जो वक्ता है अपने अपने मति अनुरूप भगवान की कथा को विस्तारित देने का प्रयास करते हैं। मति अनुसार भगवान की कथा को आपके बीच मैं रखने का प्रयास किया हूँ। और श्री रामचरित मानस के इस प्रसंग में जो यह बात है, अगर हम देखें तो अध्यात्म रामायण में जो सर्ग तीन है, सर्ग तीन में 45वें श्लोक के माध्यम से मैं यहाँ पर एक बात आपको इंगित करना चाहूंगा। यद्यपि आप सब जानते हैं अध्यात्म रामायण में भी सुंदर कांड के माध्यम से यह प्रसंग वर्णित नहीं है, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रसंग को युद्ध कांड के माध्यम से जो है 19वें सर्ग में इस कथा का वर्णन किया गया है। तो बाबा गोस्वामी अध्यात्म रामायण में जो लिखा हुआ है वहां लिखते हैं, लंका राज्य रामायणपति है कार्य आमाप सचिव लक्ष्मण विशेषता। ये 45वां श्लोक तीसरे सर्ग में अध्यात्म रामायण इसके माध्यम से कि जब शरणागति का उनका भाव आया तो परमात्मा ने शरणागति की कृपा करते हुए उनको लंकापति अर्थात लंका का राज्य उन्हें समर्पण किए। और वाल्मीकि रामायण में तो ऐसी प्रसंग आता है कि विभीषण जी जो है शरणागति होने के तुरंत पश्चात लंका के विभिन्न भेद को, लंका के विभिन्न रहस्यों को, किस प्रकार से रावण और किस प्रकार से लंकापति पर विजय पाया जा सकता है, इस सूत्र को पहले भगवान श्री राम के सम्मुख रखे और भगवान श्री राम ने उनके अपने हितकारी जानकर रावण के प्रति विजय में सहयोग जान करके अपने शरण में देते हैं और वहां भी उन्हें जो है लंकापति का ये दिव्य जो लंका है उन्हें प्रदान करते हैं। इस प्रकार से ये प्रसंग में बाबा गोस्वामी जो जो लिख रहे हैं, इस प्रकार से परमात्मा भगवान श्री राम ने सकुचवश ही सही विभिन्न भावों के साथ विभीषण को प्रदान करते हैं। आइए मति अनुरूप मैं कथा को आपके बीच रखने का प्रयास किया हूँ। हमारे आदरणीय संचालक महोदय जी को शेष 2 मिनट जो है मैं समर्पण करना चाहूंगा, क्योंकि